सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। और ये? और ये? अल्लाह करे तुम्हारे दिल में खुशियां हमेशा लहलहाती रहें। अरे भागता कहाँ है बुजदिल, यम 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 यम, ठहर अभी तेरी गर्दन दबोचता हूँ बदमाश। अरे इधर तो आ जरा, छोड़ मेरी दाढ़ी ना बकार। अरे ये टांग क्यों खींच रहा है, खुदा की मार तुझ पर, दिल लगी का क्या बोंडा अंदाज अपनाया है। ओहो जरा अपनी धोन तो देख, जैसे पंचक्की का दस्ता या कालीन पर रखा घाव तकिया। अरे ये धोन है या किसी बेईमान की कब्र। अरे छोड़ कमबख्त, छोड़ छोड़, नहीं तो वल्लाह कह रहा हूँ बुरी तरह रगड़ कर रखूंगा ना हिंजान। मुकर्रबे खास इजाजत है आपकी? क्यों नहीं, इजाजत किस बात की? मेरा दिल कुछ घबरा रहा है शाम से। खैरियत, तबीयत नासाज है? जी नहीं, बस थोड़ा घबरा जाता हूं। ठीक हो जाएंगे। बस एक ही बार देखना नसीब हुआ शहजादी को, मगर वो दिन है और आज का दिन, वो साहिर आंखें भुला नहीं पाया मैं। शादी का बेसब्री से दुआ करें मेहमत हलीमी, दुआ करें आका जल्द फतायाब होकर वापस आ जाएं। रुदोष का मार्का हम सबके लिए नहायत आम है। देखा यू को मसला तूने? जी मलिका, देख लिया है, बिल्कुल ठीक है शहजादे। कल्याण, मेहमत आराम से सो रहा है ना? ओ काली आंखों वाले, मरहबा। मरहबा, खुश आमदी, कहाँ रहे इतने दिन, मुझे याद किया कि नहीं? अरे मियां कहाँ, की जमाना कौन किसे याद रखता है। अच्छा देखो, ये तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ मैं परदेश से। अरे ये टांग क्यों खींच रहा है, खुदा की मार तुम पर, दिल लगी का क्या होगा।
आग लग गई, शहजादे लपेट में आ गए हैं। मुस्तफा, मेरे शहजादा। मेरे अल्लाह, हिफाजत करना मेरे शहजादों की। चलो आका, आका आग लग गई है। कहाँ लगी आग? जहाँ शहजादे खेल देख रहे थे आका। क्या हुआ मेरे आका? शहजादी बखैरियत है, आप परेशान ना हो। मशाल कितने से आग लग गई थी। अल्लाह खुश रखे, विक्टोरिया को, शहजादों को बचा कर लाई है जहाँ पे खेल के। आग को देखते ही बच्चों की तरफ दौड़ी मैं, कैसे हुआ मालूम नहीं। बस मैं जानती हूँ कैसे हुआ ये सब। तुम्हारे बेटे ने किया है ये। बोलो, हाँ, तुम्हारी माँ ने कहा था ना, मेरे बेटे से दूर रहो, छूना मत। पहले मुझे जहर दिया, खुदा ने बचा लिया मुझे, तो अब मेरे बेटे को। हुरम खातून, काबू रखिए खुद पर। जाएं महमूद को कमरे में ले जाएं। मुस्तफा, हुरम, सुना नहीं, जाओ कमरे में। सब ठीक है, कुछ नहीं होगा बेटा, परेशान नहीं हो। बाबा, मैंने आग नहीं लगाई, वल्लाह। अपने भाई को बचाया था, मेहमत ठीक है। शाबाश मुस्तफा, इतनी सी उम्र में कितना बहादुर है। तुम बड़े शहजादे हो मुस्तफा, इसी तरह हिफाजत करना छोटों की। मेहमान रुखसत हो रहे हैं, इन्हें इज्जत से रुखसत करो दाया। चले जाएं सब अपने कमरों में। जल्दी बताओ क्या सूरत हाल है। आँख पे काबू पा लिया गया है मोहतरम। खादमाएं और कनीजें सफाई कर रही है कमरे की। कमरे की सफाई का नहीं पूछ रहा है मक, खैरियत से हैं सब लोग, ये बताओ। शहजादे बिल्कुल खैरियत से हैं माशाल्लाह, कुछ नहीं हुआ। खजीना सुल्तान,
रस्म नस्बत में आने वाले मतलब। जाहिर है सुल्तान बहुत परेशान हो गए थे लेकिन सबको बखैरियत पाके शुक्र अदा किया। हाँ विक्टोरिया को काफी जख्म आए हैं, वही कनीज जो मतरक्ची ने मुझे सौंपी थी वही खातून। विक्टोरिया का गम नहीं, शुक्र है शहजादे बच गए। वैसे क्या हाल है उसका? कितनी मुबारक साबित हुई है, वो ना होती तो अल्लाह न करे खातून ने शोलों में घुसकर बचाया है। बेटे की वजह से मैं डर गई थी। मुझ पे नाराज हो गए आप जबकि मेरी कोई खता नहीं थी। बोलने हाल खातून, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। खौफ आ रहा है मुझे। ऐसा क्या कहा है उस औरत ने? वो आम औरत नहीं, माहे दौरा है। वो मलिका है गुरम खातून, शहजादे मुस्तफा की वालिदा। मगर आप तो बात भी नहीं करते उससे। उससे बात न करना मेरा मसला है, याद रहे। लेकिन उसका एहतराम तुम पर लाजिम है। मत जाए मेरे आका, हमें छोड़ के मत जाए। मलिका कुछ और चाहिए आपको? कुछ नहीं, बस आराम करूंगी, बहुत थक गई हूं। हुरम खातून की कोई खैर खबर? कमरे में बंद है तब से। आखिर किस मुंह से आएगी सबके सामने? कैसे आपका नसीदा किया तुमने देखा? जल जल कर आप ही आप खत्म हो जाएगी बहुत जल्द, देखिएगा आप। बहुत जल्द? अब जा सकती हो। गुलशा, वो लड़की विक्टोरिया, उस लड़की को भूलना नहीं गुलशा, वो जख्मी हुई है, उसे कोई तोहफा दे देते हैं हम। जी मलिका। आफरीन विक्टोरिया, शहजादों की जान बचाई और बयक वक्त दोनों शहजादों की। खानदान शाही यकीनन तुम्हारा एहसान मंद रहेगा, वालिदा सुल्तान तुम्हें इसका सिला जरूर देंगी। वालिदा, वो वही खातून जो खूबसूरत जवाहरात पहने थी? हाँ वही, कितनी हसीन है ना। भी जवान थी तो सुल्तान सलीम ने क्या खूबसूरत शायरी की थी इन पर। आयला जरा मदद करो मेरी। क्या कह रही हूँ आयला? बैठो बैठो, काम करो। क्या रहा निगार काल्फा? तबीबा देख गई है, मरहम दिया है वही लगा रही हूँ। ठीक है, ख्याल रखो, तवज्जो से इलाज करो, वालदे सुल्तान भी फिक्रमंद है। नाम क्या है तुम्हारा? विक्टोरिया नाम है। आज आराम करो विक्टोरिया, कल वालदे सुल्तान शर्फ मुलाकात बख्शेंगी।
नाराज हो गए अम्मी से। अम्मी क्या करेगी अब? जैसे उस औरत को दिल से निकाल दिया, शायद मुझे भी निकाल देंगे। क्या करूं मैं? सुलेमान, हमें मत छोड़े। वालदे सुल्तान चाहती हैं कि यह आराइश आपके कमरे में रखी जाए। मुझे वहशत हो रही है गुलफाम। जब देखूंगी वो भयानक रात याद आएगी। मंगनी आग से शुरू हुई है, मौत पर खत्म होगी। अच्छी बात मुंह से निकाले शहजादी, ऐसा ना कहें। चले बाहर चलते हैं ताजा हवा खाने। इब्राहिम ना हुआ वहां तो मेरी कसक और बढ़ जाएगी और वह हुआ तो मुझे देखकर खुद भी उदास हो जाएगा। दोनों सूरतों में सिर्फ दुखी होगा। से लगाओ, लड़की को तकलीफ हो रही है। अच्छा भाई, लगाती हूँ। ये विक्टोरिया तो मेरी खिदमत करने आई थी। बताओ भला, मेरे सर पर आ गई है शहजादी बनके, मुझे ही खिदमत करनी पड़ रही है। खिदमत नहीं कर रही तुम, मदद कर रही हो। अब क्या करे विक्टोरिया, जले हुए हाथों से काम करे क्या? निगार का अल्फा, तैयार करो, लड़की को लेने आया हूँ। कहाँ ले जाओगे? बाजारे हुसन जाके बेच दूंगा तुम्हें, वही एक जगह है अब तुम्हारे लायक। आई छोड़ो भी, कौन खरीदेगा इसे? तुम अपनी फिक्र करो आयला खातून, तुम्हारा भी सौदा ना हो जाए कहीं। हाँ चलो सुनो, अच्छा सा लिबास पहनाओ इस लड़की को, वालदाए सुल्तान के हुजूर ले जाने। गुलनिहाल, मेहमत को एक लम्हे के लिए भी अकेला मत छोड़ना। आ गई समझ? ख्याल रखना, दरवाजा बंद रखना है और सोना भी नहीं है। मेहमत सो जाए तब तो सो सकती हूं ना? नहीं, सोना नहीं है। हाँ मैं जा रही हूं अभी। लेकिन कहाँ? मेरे आका, रात महल में होने वाली आतिशजनी पर गुलाम का दिल नहायत वैसे से दोचार हुआ। शुक्र है आका कि पाक परवरदिगार ने अपने करम से शहजादों को गजब न पहुंचने दी
और आपका साया हम पर कायम और दायम रखा। सब पर ऐसे ही करम हो, रब हम सबको अपनी अमान में रखे। हमारे जहाजों पर हमला करने वाले, हाजियों को लूटने वाले रुदूशी कजाकों के खिलाफ ये जिहाद मुबारक हो मेरे आका। ये फतवा है मुफ्ती मोहतरम? जी मेरे आका। एक गुजारिश है आपसे सुल्तानी मौसम। तो कहिए मोहतरम। मेरी ख्वाहिश है कि इस जिहाद में मैं भी शरीक हूं सुल्तानी मौसम। मुफ्ती आजम, हम सारे कारहाए सल्तनत आपको अमानत के तौर पर सौंप कर जा रहे हैं। आपकी सेहत भी जिहाद की मुतहम्मिल नहीं। क्यों पीरी पाशा, मैंने दुरुस्त कहा ना? तो इनको ये बात अच्छी तरह समझाइए आप। मुफ्ती मोहतरम को काश में रोक सकता जाने से, ये नहीं सुनेंगे। नहीं सुनूंगा मेरे आका। खानदान अली उस्मान के जेम सुल्तान की औलादें जब तक इन जालिमों के कब्जे में है मैं नहीं सुनूंगा। वो सरजमीन जो आज जालिमों के जेर तसल्लुत है, जब तक वो हमारी सल्तनत नहीं बन जाती और उस पर हमारा परचम नहीं लहराता मैं नहीं सुनूंगा। क्या मेरी इल्तजा भी नहीं? नसीब में अगर शहादत लिखी है तो इस ज़ईफ़ी में भी कोई मुझे इस एजाज से महरूम नहीं कर सकता। सब तैयार है क्या? निकाल काल्फा। ओह हुरम सुल्तान, आज कैसे इज्जत अफजाई कर दी। खैर तो है, वो जो खातून है ना वही जो तावीज लगती है उन्हें बुलवा दो मेरे पास। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे और मेरे बेटे को तावीजों की जरूरत है। देखो क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ। विक्टोरिया है तुम्हारा नाम? जी मोहतरमा। मोहतरमा नहीं, मलिका कहते हैं। मलिका? जी हाँ मलिका। तुम्हारे हाथों के जख्म कैसे हैं? तकलीफ कम हुई कुछ? जी मलिका अब कम है तकलीफ। अच्छा है। अच्छा ये बताओ कहाँ से आई हो तुम, कौन लाया है तुम्हें हरम में? सावा से आई हूँ मलिका। मुकर्रब खास इब्राहिम लेके आए हैं मलिका? चलो लड़कियों सीधा मकतब की तरफ। तुम नहीं आ रहे? फारूख तहसील हो गई क्या? ये बात नहीं, बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकते मैं। तुम क्या जानो कैसा खौफ बैठ गया है दिल में, हर वक्त डरती रहती हूँ। सुल्तान भी रवाना हो रहे हैं, अहमद के साथ अकेली रह जाऊंगी मैं। तावीज चाहिए हिफाजत के लिए। सिर्फ तावीजों से कुछ नहीं होता, दिल जीतने की कोशिश करो सुल्तानी मौसम का। उन्होंने मुंह फेर लिया तो कोई पुरसाने हाल ना होगा तुम्हारा। डरो नहीं, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। कोई परेशानी हो मुझे जरूर बताना और मजबूत रहना, खौफ छुपा कर रखना वरना दुश्मन हावी आ जाएंगे। साजिशों के आगे कमजोर मत पड़ना, कमजोरी नाकामी है। निगार काल्फा, दर्जन से मलबूसात मंगवाओ, आज सुल्तान के हुजूर जाना है। तैयारी में मदद कराओ मेरी। कल रात तुमने जो जरूरतमंदी का मुजाहिरा किया उसे सराहती हूं। शहजादों की जान बचाई, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। बहुत बुरा मंजर था हमारे लिए। जा सकती हो तुम अब।
जैसे ही तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएं, तुम्हें अपनी खिदमतगार देखना चाहूंगी मैं। जा सकती हो तुम विक्टोरिया। कैसी हो विक्टोरिया? अल्लाह शिफा दे तुम्हें। आओ माही दौरा। शहजादे के क्या हाल हैं? रात को बस जरा डर गया था वालिदा, सुबह तक ठीक हो गया, इस वक्त मकतब में है। थोड़ा जल्दी ले आना मकतब से, आज मुझे मिलना है, उससे बातें करना चाहती हूँ। खजीना को भी ले जाओ। जाओ खजीना, मुस्तफा तुम्हें वहां देखेगा तो खुश हो जाएगा, और कुछ बड़े भी खुश हो जाएंगे तुम्हें देखकर। आप उनकी तरफ से फिक्रमंद ना हो पीरी पाशा, उनका अज़्म उनको यकीनन गाजी का रुतबा देगा, और रुदोष में हम पहली नमाज साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह नसीब करे मेरे आका, रुदोष में अजीम शान मस्जिद तामीर कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इब्राहिम, मुस्तफा को लाओ मेरे कमरे में, रात वो खासा डर गया था, उसके साथ कुछ वक्त गुजारूंगा। चंद ही रोज रह गए कूच में। वालदा की मजबूर करने पर आई हो, जानती हूं अच्छी तरह। क्या वाकई तुम्हें इश्क है इब्राहिम से? चुप हो जाए। काश इस मिलाप का कोई इम्कान होता, मेरे पास काश कोई रास्ता होता। इब्राहिम एक बाकिरदार और दिलावर इंसान है खजीना सुल्तान, तुम्हारे लायक, और तुम्हें सदा शाद रखने का सिर्फ वही अहल है। खुदारा चुप हो जाए, मेरे जख्म और ना कुरेद। खजीना, अम्मी, खजीना आ गई उस्ताद मोहतरम। तुम जाओ अंदर, वरना बुरा महसूस होगा। कल रात आपके लिए इतना बेचैन रहा, क्या बताऊं? मुकर्रब खास की मेहरबानी, उन्होंने बमुश्किल संभाला मुझे। परेशान था, खुदा ना खास्ता कहीं आप आग। माजरत चाहता हूं। शहजादी, काश वक्त को तेज करना मुमकिन होता, काश फतह रुदोश से मशरूत महीनों की मुसाफत हायल ना होती। इब्राहिम देखो मैंने क्या बनाया। शहजादे हुजूर को लेने आया हूँ, आका ने बुलवाया है। दर्स में मुखल तो नहीं हुआ? कतई नहीं मोहतरम, दर्स खत्म हो चुका है। इब्राहिम बाबा के पास ले चलो, देखो मौलिम ने भी इजाजत दे दी है। चले हम। शहजादी ख्याल रखिएगा अपना। हाथ लगाया मेरे बेटे को, कौन हो तुम? हाँ क्या कर रही हो यहाँ पे? उस औरत ने भेजा है ना तुम्हें? गुलनेहाल ने इजाजत दी थी, मैं तो सिर्फ प्यार करना चाहती थी। झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। तो मारने आई हो मेरे बेटे को? रुको, इसका कोई कसूर नहीं, मैंने बुलाया था इसे अपनी मदद के लिए। मारिया क्या कहा था मैंने तुमसे कि कोई कमरे में नहीं आएगा तो फिर क्यों आए? बताओ जवाब दो मुझे। कहा था लेकिन हुरम, अब
अक्ल से काम लेना चाहिए तुम्हें। क्यों किया उस बिचारी के साथ ऐसा? हर किसी पर शक करती हो, हर कोई बुरा नहीं, पुरसुकून हो जाओ। हर कोई बुरा है मारिया, तुमने भी बुरा किया मेरे साथ। खंजर घोपा मेरी पीठ में, भूल गई तुम? मैं नहीं भूली। अचानक मुलाकात बख्शने वाले रब का शुक्र अदा करता हूँ शहजादी। फायदा इसका, मैं तो बेरू हो चुकी। खत में भी आपने ऐसी ही दर्दनाक बातें लिखी हैं शहजादी, यूं आसानी से हार मानने की क्या? बाबा आप कहाँ हैं? मैं आ गया। आ जाओ शेर बच्चे, मैं यहाँ। चारा भी क्या है और? काश के होता, मगर कोई नहीं। जहन्नुम उबूर करके भी करूंगा कोई चारा, यकीन रखे मुझ पर आप। वैसे भी चल तो रहा हूं हिजर के जहन्नुम में, कोई डर नहीं अब किसी चीज का। शहजादी, बस आपसे इल्तजा है कि आप हार ना माने, भरोसा रखे खुद पर। इब्राहिम, खुदा के लिए बेहोश हो जाऊंगी, खामोश हो जाओ। तुम्हें देखना भी अब गुनाह है। हर गुनाह अपने सर ले लूंगा। आपकी खातिर दुनिया की हर अजियत गवारा है। आपसे वादा करता हूं शहजादी, अनकरीब मेरे हमरा रुखसत होंगी आप इस महल से, फिर दुनिया को आपके लिए जन्नत बना दूंगा मैं। कल रात डर गए थे? मैं किसी से भी नहीं डरता, बस भाई के लिए डर गया था। मेरा शेर बेटा, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। खजीना जाने ब्रदर, गमजदा ना हो, जान लो सब बखैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम खुश रहा करो। मैं खुश हूं मेरे आका, आपके साए में। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा बेशकद्र हो, खुदा तुम्हें सारी खुशियां दिखाए। चलो पारगाली चलें, चलो अपनी अपनी तलवारें बेनियाम करते हैं। आज तलवारबाजी करेंगे शहजादे मुस्तफा के साथ। लकड़ी की तलवार से नहीं खेलूंगा, हर बार टूट जाती है, फिर आप हरा देते हैं मुझे। आज शायद आप हरा दें, क्या मालूम। मैंने शिकस्त दे दी तो रोदोश ले जाएंगे मुझे। कोई सौदेबाजी नहीं, बस अपनी ताकत पे भरोसा रखो, तुम हरा कर तो दिखाओ, आगे अल्लाह मालिक है। चले आप। अब ये करना है कि इस हीरे को गहरा तराशना है, और तराश कर तीन कोने निकालने हैं इस हीरे के, समझ गए? समझ गया। तो चलो शुरू करो, लेकिन एहतियात से, इसकी धार तेज है। खैरियत है सुम्बुलागा? एहतियात से। ऐसे करते रहना। रहम सुल्तान मौसम कनीस रहम की ख्वास्तकार है, माफी की तलबकार है,
आपकी आवाज, आपका चेहरा एक हसरत बन गया है। आपके महबूब कनीस, आपके गुलाम बेदा माफी की खैरात चाहते हैं। आप तो बड़े अदाकार हैं। तू ही तू है सपनों में मेरी खुशियां, तू ही है, ना है तुझसा कोई यहाँ। तेरा चेहरा सपनों में। हुरम खातून, दे आए खत्म? दे आया हूँ, अपने हाथों से दिया है मैंने। मेरे मुंतजर होंगे वो, बस फौरन तैयार होती हूँ मैं। रुको, गुलनिहाल, गुलनिहाल। खूब सज सवर के जाऊंगी मैं। आका आपके मुंतजर नहीं, वरना बुलवा लेते। आप यहीं रुके, शहजादे महमूद को तलब फरमाया उन्होंने। झूठ बोल रहे हो तुम, आका मेरा इंतजार कर रहे हैं। जो कभी आका पर झूठ बांधू तो खुदा मुझे उठा ले। हुरम खातून, गुलनिहाल, चलो मेरे साथ, शहजादे को लेके जाना है। आंखों से अश्क पोंछ के शहजादी, इब्राहिम ने वादा किया है, चाहे कुछ हो जाए वो निकाल लेगा हल। अच्छी उम्मीद रखें खुदा से, मायूसी कुफ्र है। कैसी उम्मीद गुलफाम? उम्मीदों के सब चिराग गुल हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो सकता अब। इब्राहिम बाजी हार चुका है, तस्लीम नहीं कर पा रहा वो कि हिजरी मुकद्दर है। इसी तरह करना है ना? हाँ, इसी तरह करना। शाबाश। ले आइए मेरे छोटे शहजादे को। बाबा महमूद भी बड़ा होकर हमारे साथ जंग पर जाएगा ना? क्यों नहीं? या अल्लाह, खून कभी खून से जुदा ना हो, मेरी औलाद हमेशा यूं ही मोहब्बत से रहे। जजीरा रुदोश पर इस्लाम का नाम बुलंद करने की खातिर लश्कर जर्रार के साथ रवाना हो रहा हूं। इस कायनात के जन्नत और जहन्नुम के खालिक रब्बुल जलाल की कसम है मुझे
कि वहां के रहने वालों को हमसे हरगिज गजंद न पहुंचेगी कोई। जान माल सब कुछ महफूज रहेगा हर तरह। अतात करने वाला हर फर्द मुकम्मल तौर पर हमारी अमान में होगा। लेकिन अगर तुमने हमारी पेशकश कबूल न की, रुदोष मेरे हवाले करके फरमाबरदारी न दिखाई, तो कला और शहर नाबूद कर दिया जाएगा। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा, मेरे सर की छांव। फतह के लिए दुआएं चाहिए आपकी। अल्लाह तुम्हें कामयाबियां और खुशियां अता फरमाए। गुलफाम खातून, वो कमीज लाइए जो बतौर खास तैयार करवाई है। ये हर वक्त तुम्हारे जिस्म पर रहे, दुआएं पढ़वाई हैं इस पर, ढाल की तरह तुम्हारी हिफाजत करेगी। आपकी यही दुआएं ढाल बन जाती हैं वालिदा। खजीना। खैरियत से लौटे, रब आपके लिए आसानी फरमाए। आमीन। हमारी वापसी तक शादी की तैयारियां मुकम्मल करने वालिदा। मुस्तफा, मेरा शेर बच्चा, तंग नहीं करना मां को, दिल लगाना दर्स में अपना खूब। अपनी दुआओं में हमें भूल ना जाइएगा। अल्लाह के सुपुर्द। आज एक तारीखी दिन है। अल्लाह के फजल से मेरे आका ने मुझे यानी अपने गुलाम जलाल जादे को एक यादगार फतह का गवाह होने का एजाज बख्शा। सुल्तान सुलेमान खान आली मुकाम, आलम ईसाइयत में मुकद्दस समझी जाने वाली एक छोटी मगर मजबूत तरीन सल्तनत रोदोश फतह करने के लिए रवाना हुए, निहायत शानो शौकत के साथ।
और दुआओं के साए तले कूच शुरू हुआ। यूनान और अनातोलिया से ताल्लुक रखने वाले 115,000 जांबाज दीन की सरबुलंदी के लिए खम ठोक कर निकले। इसके अलावा तुर्क जहाज साजों की मेहनत शाखा का समर यानी इस बरदार जहाज, असलाह बरदार जहाज, अनाज बरदार जहाज और बहरी सिपा के अलावा हजारों मल्लाहों और तोपचियों पर मुश्तमिल लश्कर 700 पलटनों की शक्ल में वही रहे रोम में दाखिल हुए। तुर्क सुल्तान सुलेमान खान सैकड़ों जहाजों के साथ एक बड़ा लश्कर लेकर रवाना हो गया है और बहरा रोम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रुदोश की सरजमीन मुकद्दस की हिफाजत के लिए रुदोशी जंगजुओं ने मदद की इस्तेदा की है। कहते हैं तमाम ईसाई दुनिया फौरी कुमक भेजे। पापा आजम, ये सोचने का वक्त नहीं है। तुर्कों का शेर मर चुका है, उसकी जगह उसका बच्चा हुकुमरान है। याद है, आप ही ने कहा था। शेर का बच्चा भी शेर ही होता है मेरे अजीज, ये कभी ना भूलना तुम। मैं इब्राहिम, गहरे पानियों में तैरना सीखने वाला, कम उम्री से ही दिल में उठने वाले सवालों के जवाब ढूंढने में औजे फलक पर सितारावार लिखी तहरीरें पढ़कर मुस्तकबिल का अहवाल जानने वाला, हर मजरे कुदरत से अपनी उलझनों के जवाब पाने मगर हर जवाब के बाद एक नए सवाल की आग में जलने वाला इब्राहिम। मैं इब्राहिम दून में सोफिया के दूर उफ्तादा कस्बे पारगा का पैदाइशी, 15 बरस से अपनी माँ का चेहरा देखने की हसरत लिए हर आईने की तरफ लपकता हूँ कि कहीं अपनी सूरत में अपने भाई, माँ या बाप के खदुखाल का कोई धुंधला सही अक्स झलके। इस तलाश में ऐसा खोया कि वापस ना लौट सका। कम उम्र था, वक्त से लड़ने की कुवत ना थी, बस माँ बाप से बचपन में सुने हुए साजी और नगमे कानों में गूंजते थे। सो घर से जुदा किए जाते वक्त यही एक मिरास थी मेरे हाथ में। क्या हुआ पारगा जी, समंदर का जादू चल गया? सत्रह साल पहले इसी समंदर ने मुझे मेरे घर वालों से जुदा किया था मेरे आका। उनकी याद आ गई। बचपन में रोते हुए गुजरा था इस समंदर से, वो याद आ गया। घर जाने का कभी सोचा? रुदोश फतह करके लौटेंगे जब, तुम्हें पारगा भेज दूंगा। फरमाइए हुरम खातून, कोई खबर आई वहां से सुल्तान के बारे में? तुम्हें तो सब खबरें होती हैं। कोई खबर नहीं आई, ठीक ही हुई इंशाल्लाह। ये हाथ में क्या है? हिफाजत का तावीज है, सुल्तान को देना चाहती थी जाते हुए मगर दे नहीं सके। निकार, डर लग रहा है मुझे।
जैसा कुछ होने वाला है मुंह से अच्छी बात निकालो। तुम क्यों नहीं आते बाहर कमरे से? सुल्तान सुलेमान के जाते ही पाबंदी लगा दी है कि बाहर मत निकलना कमरे से। उनके जाते ही सब बदल जाते हैं। जाकर माफी मांग लो वालिद सुल्तान से, कहो कि मैं शर्मिंदा हूं, दस्त बोसी करो, लिबास आंखों से लगा। मगर मैंने क्या किया है ऐसा? क्यों माफी मांगू मैं, क्यों छोड़ू लिबास? ठीक है, मत छोड़ो जिद अपनी और बंद रहो यही। रह लूंगी मैं, सुल्तान जब आएंगे तो खत्म हो जाएंगी सब पाबंदियां। हुरम खातून, इतने यकीन से मत कहो ये बात। सियाने कहते हैं कि महल वो दुनिया है जहां किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता। शहजादे मुस्तफा साथ होते तो अभी उठाते अपनी चौबी तलवार, कुछ देर महारत दिखाते, फिर कहते दिल भर के चलो घुड़सवारी करते हैं। कुछ दिन से बहुत याद आ रहा है मुस्तफा, कल रात ख्वाब में भी देखा कि सीने पे चढ़ा बैठा है और जिद कर रहा है। आकर समझिए, दुश्मन की तोपें जाग उठी है। देखो खैरियत है, क्या हुआ? सुलेमान की आवाज सुन सकते हो? हुरम आग लग गई, क्या होगा? और कुछ नहीं, मेहमत को मुझे दे दो। ठीक है। आका, आका, जहाज घर काब होने वाला है। ना सुना, माफ करना पड़ता है। माफ किया, हजार बार माफ किया। खजीना, मेरी बेटी, खैरियत तो है? ये क्या हो रहा है तुम्हें? खजीना, जल्दी बताओ मेरी जान। सांस रुकने सी लगी अचानक। अनजानी वहशत की तरह। अब कुछ बेहतर हुई तबीयत? आप चलो आ जाए, बैठ जाए। आ जाए, शाम से मेरी भी यही कैफियत है, दिल बैठा जा रहा है। गुलफाम, दाया को बुलाओ, आकर दुआएं पढ़ दे, कुछ सुकून मिलेगा। उन तुर्कों के 17 जहाजों को गर्क कर दिया है, शायद उन्हीं में सुल्तान सुलेमान का जहाज भी है। रोशनी में पता चल जाएगा। बहुत खूब, अब तुर्क मछलियों के खुराक बनेंगे।
मेरी बच्ची, अब बस भी करो। बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश, तुम्हारा भी गुलफाम। वालदा सुल्तान, फरद पाशा दीवाने हुमायूं में आपसे मुलाकात की मुतमन्नी है। सुलेमान के फतह की खबर आई होगी यकीनन। मैं भी आई। अल्लाह करे कोई अच्छी ही खबर आई हो। इंशाल्लाह। वालिदा सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। कहिए फरद पाशा, कैसा है मेरा शेर? जंग खत्म हुई, रुदोष पर कब्जा हो गया? गो के अभी तस्दीक नहीं हो सकी, तहम इत्तला है कि खुदा न खास्ता आका का जहाज गरकाब हो गया है। और मेरा बेटा? बोलिए फरद पाशा, बताइए कैसा है मेरा बेटा? हक की राह में शहीद हो गए गालिबन। जो सुना है वो सच है क्या? जुदाई की आग ने जलाकर कोयला कर दिया है। मुझ मजबूर और आजिज को आपकी रफाकत और मेहरो उल्फत के सिवा कोई चीज दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। आप नहीं है गोया चलती फिरती लाशों में। हुरम खातून, निगार खातून को मत ले जाओ। चेहरा सफेद क्यों पड़ा हुआ है, क्या हुआ? सुमला का खैरियत है? आका का जहाज डूब गया है। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। शहादत के मर्तबे पे फाइज हो गए हैं वो। बगैर इजाजत कमरे में क्यों आए? ऐ रब्बी, हमें सब्र अता फरमा और इतनी हिम्मत दे कि कमसिन शहजादे को तख्त पर बिठा सके।
सुलेमान चले गए तो हुरम कैसे जिए? किस काम की जिंदगी? पहुंच ऐसी जिंदगी कैसे गुजरेगी? अब चले गए, ब्रदर मोहतरम इब्राहिम तस्दीक नहीं हुई अब तक शहजादी खुदारा संभाले खुद को, हमारा क्या होगा? बेटा मुस्तफा और भी तना रह गए भरी दुनिया में, शहजादा तो बहुत छोटा है, वो इतना बड़ा मनसब कैसे संभालेगा? कोई नहीं रोएगा, खबरदार। इतनी जल्दी हार मान ली? सुल्तान सुलेमान को कुछ नहीं हुआ, जिंदा है। मैं जानती हूं सर, मेरा दिल जानता है। हुरम खातून, रोदोश के दौरान सुल्तान मौजम के साथ एक ईमान अफरोज वाकया पेश आया। तारीक रात में रोदोशी तोपे अचानक आग उगलने लगी और देखते ही देखते सुल्तान का जहाज गर्क़े आब हो गया, मगर कादर मतलब को उनकी मौत अभी मंजूर न थी, सो वो जिंदा बचकर मारमारास पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां एक क्यामत का मंजर उनका मुंतजर था। तुम्हारी जंगी हिकमत अमली नाकाम हो गई है पीरी पाशा। शहीद और लापता होने वालों की तादाद मालूम करें, कितने जहाज गरकाब हुए और कितनी तोपें। आका, अपनी नाकामी पर माजूली की गुजारिश करता हूं इस मनसब से। सुल्ताने मौज़म, आपसे कुछ अर्ज करने की जसारत करूंगा मैं, और वो ये कि जंगी हिकमत अमली तैयार सरदार आजम जुबान मुस्तफा पाशा ने की थी। नाकामी उनकी है आका। जाइए, मुझे और पीरी पाशा को अकेला छोड़ दें। पीरी पाशा, नाकामी से जोदरंज होकर दरमियाने जंग मोहर वापस करना मुनासिब नहीं है बिल्कुल। क्या जेब देता है आपके मनसब और तजुर्बे को?
मेरी नाराजगी आपके लिए नहीं, तुर्क सल्तनत की बका के लिए है, हमारी कामयाबी और फतह के लिए। चौबान मुस्तफा पाशा को सरदारी से हटा रहा हूं, मैंने फैसला कर लिया है, वापस चले जाए अनातोलिया। जो हुक्म। ये बात अब खत्म समझे पीरी पाशा, तवज्जो दें सिर्फ काम पर, अहमद पाशा को हाजिर करें। अहमद पाशा, वजीर दोयम हो आज से तुम। अहमद पाशा, सरदारी से तरक्की हो, जाकर संभालो रुदोश का महाज। जो एजाज मुझे आप बख्श रहे हैं मेरे आका, उसके लायक होने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मैंने तो नहीं रुलाया आपको, बाबा ने रुलाया होगा। नहीं। बाबा कहते थे कि मर्द दिल दुखाते हैं, तभी औरतों की आंखों में आंसू आते हैं। मलिका, तखलिया चाहती हूँ मैं, माफी चाहती हूँ। महज से इत्तला आई है, फरहत पाशा आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मुस्तफा जो दालान में जाकर खेलो, भेज दो ने। या अल्लाह करम कर दे हम पर, खैर की खबर सुना दे यार, मेरा बेटा बच से मुझे। हुरा हुरम, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। हुरम आगे खोलो। बेहोश होके गिर गई अचानक, मैं तबीबा को बुला के लाता हूँ। सुम्बुला, ये तो जख्मी है, बच्चे को कुछ ना हो जाए। या रहीम, अच्छी बात निकालते हैं मुंह से। चलो तबीबा को ढूंढे, चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। वालिदा सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। फरहत पाशा, कोई और बुरी खबर ना सुनाना खुदारा, किसी और सदमे की ताब नहीं। मारमार्स की लश्करगाह से कासिद आया है, मकतूब पर पीरी पाशा की मोहर है। मोहर छोड़ो पाशा, मेरा बेटा जिंदा है ये बताओ मुझे। आका के बसलामत होने का मुजदा आया है। शुक्र है बेटा जिंदा है मेरा, मैं फौरन जाकर खवातीन को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। आप जाकर अमाली सल्तनत से मिले और एक एक को बताएं, सुल्तान सुलेमान फतह की दलीज पर पहुंच गए हैं। हुरम खातून ठीक है? तबीबा ने देख लिया, खून नहीं रुक रहा, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। अल्लाह कैसा मनूस दिन है आज। फरजंद सलामत है, खुशखबरी आ गई, खबरी मरहलत निकली। पाशा वगैरह और इब्राहिम वो सभी बखैरियत हैं यानी? हाँ बिल्कुल, पीरी पाशा के मकतूब में यही तहरीर है। दाया, हुरम खातून को भी खबर कर दो कि आज पहुंच ले। सदमे से बेहोशी तारी हो गई, गिरकर जख्मी हो गई है। नहीं उसे कुछ नहीं होगा, चलो दाया चलो।
हमें भेज देंगे यहाँ से? कहाँ भेजेंगे? पुराने महल में। तो फिर तख्त कौन संभालेगा? शहजादे मुस्तफा संभालेंगे और उनके जवान होने तक वालदा सुल्तान चलाएंगी हुकूमत। क्या ये सच है निकाल कालफा, शहजादे मुस्तफा ही बैठेंगे तख्त पर? ये कैसी बात की तुमने? सुल्तान सुलेमान खान जिंदा है और फतह से हम किनार होंगे जल्द ही रोज में। बच्चे खैरियत से है ना तबीबा? जी बेहतर है, अब खून भी रुक गया है। खुश हो जाओ हुरम, खुशखबरी आ गई है, सुल्तान बखैरियत है बिल्कुल। मालूम था मुझे, कहा था ना मैंने यूं छोड़कर नहीं जा सकते, मुझसे वादा किया था उन्होंने, वो नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। बहुत शुक्र है अल्लाह, बिस्मिल्लाह। मेरे आका, एक खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूँ। खालकी और नसरोज जजीरों पर कब्जा हो गया है। इतला मिली है कि सुरंगसाज रुदोष के शहर पना तक पहुंच गए हैं। शुक्र है बहुत। हवा का रुख मुआफिक होना शुरू हो गया है पारगली, इस फतह की खुशी मनाओ सबके साथ मिलकर। रुदोष से मुत्तसिल खालकी और नसरोज जजीरों पर तुर्क अलम लहराने लगे। ये फतह दर हकीकत सुरंगसाजों के नाम थी। ये सुरंगसाज अब किला रुदोष में नकब लगाने के लिए सुरंगें खोदने में मसरूफ थे। रुदोष वालों ने अपने दिफा के लिए एक नहायत काबिल मुहंदिस को वेनिस से बुलवाया। गैब्रियल मार्टिनिगो, मैं बावजूद कोशिश के समझ नहीं पा रहा आप क्या करना चाह रहे हैं। जरा देर में समझ जाओगे, सब्र करो। मार्टिनिगो नामी ये शख्स जंगों में सुरंगसाजों को नाकाम करने का माहिर है। सुरंगों का सुराग लगाने का यह तरीका इसकी अपनी इजाद है। एक और रखो यहाँ पर। हाँ बिल्कुल ऐसे, अब इन पर रेत डालो। हाँ थोड़ी और डालो। यहां पर खुदाई शुरू करो। सुरंग इस किले को फतह करने का वाहिद रास्ता है और मैं तुर्कों की खोजी हुई सुरंग उनके साथ फना कर दूंगा। बेटे की सलामती की खबर मिल गई, समझो दुनिया मिल गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मलिका। माशाल्लाह बड़ी मेहनती लड़की है, खूबसूरत भी और अतात गुजार भी, खूब वाकिफ है तमीज तहजीब से। विक्टोरिया, सुंबुल आगा और तुम मदद करो उसके मुसलमान होने में, इसका नाम मैं रख देती हूं। ठीक है, सदाकत से निकालते हैं नाम। सादका हो तुम हमसे। सादका आओ, मलिका ने तुम्हें नाम दिया है। मलिका बहुत इनायत आपकी,
मुझे माफ नहीं किया आका ने। देखो मेरे खत का कोई जवाब नहीं दिया। नाराज है, भूले नहीं, सजा दे रहे हैं मुझे। क्या करूं मैं? आका महाजन जंग पर है, वक्त ही कहां होगा उनके पास। ऐसी बातें क्यों सोच रही है? इत्मीनान रखिए। कैसे इत्मीनान रखूं निगार का अल्फा? क्या करूं? एक और खत लिखती हूं मैं उन्हें। हाँ सोचो बेटे, नहीं करो तंग बेटे। विक्टोरिया कहाँ थी तुम? खाना तो खत्म हो गया। आयला खातून, अब से ये सादका हो गई, पुकारेंगे सभी से सादका के नाम से। मुसलमान हो गई तुम? या सबूर, सवाल बहुत करती हो, चलो अपना काम करो। सादका, चलो एक बार फिर वालदा सुल्तान के कमरे में जाकर उनकी दस्त बोसी करो। जी अच्छा, मैं चलती हूँ, शब बखैर। अच्छा शब बखैर। कई माह हो गए मेरे आका, और कितनी खुदाई बाकी है इन जालिमों के किले की? सुरंग साज आहिस्ता काम कर रहे हैं क्या? दुश्मनों ने सुल्तान का जहाज डुबो दिया और ये खबर उड़ा दी कि आप खुदा न खास्ता। ऐसी सोचे अपनी जंबील में न ठूसे मोहतरम, वजनी हो जाएगी बहुत। दुश्मन अचानक एक रोज देखेंगे कि तुर्क लश्कर किले को रोंद रहा है, होश तब आएंगे ठिकाने। सबर अली अफंदी, पहलवान वो नहीं जो हरीफ को जमीन चटा दे, पहलवान वो होता है जिसे अपने गुस्से पर काबू। ये हमारे रसूल का फरमान है। मेरे आका, फरहत पाशा दिलकादर के बेटे अली का सर काटकर पाया तख्त की तरफ रवाना हो चुके हैं। अच्छा, और यह खबर भी है कि आका आजम ईसाई हुक्मरानों से मदद मांग रहा है। कोई नहीं करेगा उसकी मदद, वो हमारे हदफ पर है। वेनिस ने कब्रस की तरफ कुछ जहाज भेजे हैं, जाहिर है वो कब्रस पर हमारा कब्जा होने से खौफजदा है। होने दो ने, हमारा ही फायदा होगा। चौबान मुस्तफा पाशा को फौरन रवाना करो, मिस्र पहुंचे, शाम हलेब और मिस्र का दिफा करें, मिस्र को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो हुक्म। मजीद ये कि पीरी पाशा और अहमद पाशा के जहाज लंगर अंदाज हो रहे हैं, जरा देर में पहुंचा ही चाहते हैं। अच्छा, दुश्मन की शहरक से हाथ ना हटे, प्रदोष चैन की नींद ना सो सके। जहां पना, जेम सुल्तान के बेटे मुराद सुल्तान आए हैं, फौरन भेजो। मुराद सुल्तान, दोबारा बुलावा भेजा तुम्हें, इतनी ताखीर से क्यों आए हो? बीमार था बहुत। तुर्क लश्कर ने बड़ा शदीद मुहासरा किया हुआ है, कले से किसी का भी निकलना मुहाल हो गया है। तुम्हारी मौजूदगी के बाइस मुझसे ज्यादा तुम्हारी तलाश में होगा सुल्तान सुलेमान, और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहेगा। यही मेरी सरजमीन है, जिसने मेरे बाबा को बर्बाद किया उस तुर्क सल्तनत पर कैसे भरोसा करूं मैं? यहाँ मेरा खानदान है, जिंदगी है। अगर चाहो तो तुम्हें आर्जी तौर पर माल्टा भिजवा देता हूँ, रात की तारीकी में जजीरे के साहली गांव से मछेरे निकाल ले जाएंगे। रोदोश के लेके नीचे सुरंगों का जाल बिछा दिया गया है आका, दिन रात खुदाई की गई है, जिसकी वजह से किला के बीचों बीच निकलना नहायत आसान हो गया है। अहमद पाशा के साथ कल रात जाकर खुद खुदाई का जायजा लिया है। रोदोशी हमारे काम में रुकावट डालने के लिए खुदाई कर रहे हैं मेरे आका, जेरे जमीन बारूद भरा जा रहा है, लेकिन हमारे जवान भी उन्हें धोखा देने की गर्ज से मुखालिफ सिमत में मस्नूई सुरंगे खोद रहे हैं। कब दाखिल होंगे किले में, हम यही सोच सोच कर एक ईजाद के ख्याल तक पहुँच गया हूँ। किले की फसीलों पर हमला करने की गर्ज से मुतहर्रिक सीढ़ियां बनवा रहा हूँ, उन सीढ़ियों पर ऐसे नौजवान सिपाही तैनात करूंगा कि आग बारूद और खोलता हुआ तेल भी बेकार होगा। वो किस कबील के सिपाही होंगे? क्या जिन्हों की औलाद होंगे मेरे आका? सिर्फ दुआ करें बुजुर्गवार, कल खुद देख लीजिएगा कि किस मखलूक की औलाद है।
کل رات اسی وقت انشاءاللہ ہم قلعے کے اندر ہوں گے سلطان معظم۔ انشاءاللہ۔ دشمن جو ہی قریب آئیں ہمارے جوان درختوں کی گیلی چھال جلا کر سرنگوں میں ڈال دیں اور پھر فوراً واپس نکل کر سرنگ کا منہ بند کر دیں اور انتظار کریں۔ گیلی چھال سے ہوگا کیا سلطان معظم؟ دھواں بھر جائے گا اندر پاشا اور ان کی سانسیں رک جائیں گی، زندہ بچ جائے کوئی ناممکن ہے۔ اس حکمت سے کون سا جانور ہے جو آج تک نہیں مارا میں نے؟ کیوں نہ ہم رات کو ہی چلے جائیں اور سرنگوں میں گھس کر گیلی چھالوں کو آگ لگا کر نکل آئیں۔ ابراہیم میرے خیال سے ہی اچھا رہے گا۔ بہت وہاں کدال چلانے والے ہاتھ چاہیے مطرب جی، تصویر بنانے والے نہیں۔ اہلا خاتون، نگار کا الفا کہاں ہے؟ ذرا ڈھونڈ کر تو لانا۔ جا کر خود ڈھونڈ لو، مجھے کیوں حکم دے رہی ہو؟ یہ تم ملکہ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ کون سی ملکہ؟ کس نے بنایا ہے تمہیں؟ آئلا حد میں رہو۔ حد میں رہوں؟ بات بات پر لوگوں کی عزت اتارنے کو تیار، سزا یافتہ اور مار کھانے والی ملکہ ہو سکتی ہے بھلا؟ ملکہ تو صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ماہ دورہ سلطان، حسین اور خاندانی ملکہ۔ آئلہ خاتون، کس طرح بات کر رہی ہو تم؟ تمہارے سامنے شہزادے کی ماں ہے، ان کا احترام تم پر لازم ہے۔ نگار کالفا، میرا مطلب تو؟ خاموش، جواب مت دو، خوب جانتی ہوں تمہارا مطلب، اور یہ صرف تمہیں نہیں کہہ رہی، سب کان کھول کر سن لے۔ اس گستاخی کی معافی نہیں ملے گی اب۔ چلو نگار کالفا، میرے ساتھ آ۔ شکریہ نگار کالفا، کتنی اچھی ہو تم، میری مدد کی تم نے۔ آپ کی مدد کرنا میرا فریضہ ہے۔ تم اس سے محبت نہیں ہے کیا؟ بس فریضہ ہی ہے۔ اللہ، اچھا محبت کرتی ہوں۔ میرے ساتھ سب کا رویہ اتنا برا کیوں ہے؟ ماہ دورہ کے ساتھ تو اچھا ہے، میری نہ عزت نہ احترام، ایسا کیوں ہے؟ آپ کا کون سا اچھا رویہ تھا؟ عزت دینے سے ہی عزت ملتی ہے حرم خاتون، مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ خط لکھوانا ہے مجھے، آقا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کہاں پہ بنا دی آپ نے تو مجھے؟ تو کیا ہو گیا، لکھ دو نا، چلو۔ ٹھیک ہے چلے، لکھ دیتی ہوں، لیکن اس کے بعد نہیں۔ ملکہ، حرم خاتون دالان میں کنیزوں سے جھگڑ رہی تھی۔ یہ لگاؤ ذرا مجھ سے نہیں لگ رہا۔ کیوں جھگڑ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی کہ ماہ دورہ کے جیسے میری بھی عزت کیا کرو تم سب، لیکن آئلہ خاتون نے صاف جواب دے دیا، کہاں تم اور کہاں ملکہ، تم تو ماہ دورہ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اتنے میں نگار کالفا آ گئی، سب کو چپ کرا دیا بلکہ ڈانٹا، حرم کے ساتھ سائے کی طرح رہتی ہے، جیسے اس کی حفاظت کر رہی ہو۔ ذرا بلاؤ تو کالفا کو۔ سعد کا بڑھا تو دسترخوان جی نہیں جا رہا میرا۔
मेरे दिल मेरी जान मेरे सुल्तान, मेरे दिन अंधेरी रातों की मानंद है, ये हसरत की आग, ये जुदाई कहां से लाती हो ये खूबसूरत अल्फाज? मैं नहीं लाती हूं, इश्क खुद सिखाता है। माशाल्लाह। खैर तो है, कैसे आई? आपके पास नहीं आई हुरम खातून, माहे दौरा सुल्तान ने निकाह काल्फा को बुलाया है। खैरियत तो है, फिर कुछ हो गया? अभी नहीं आ सकती है, कुछ काम करवा रही हूं। हुरम खातून जिद ना करे, कोई मसला ना हो जाए। तुम नहीं जा सकती। उल्टे कदम आती, अभी लिख दूंगी खत। तुम इस वक्त कमरे में? अपना बिस्तर ठीक कर रही हूँ। वालदा सुल्तान के पास होना चाहिए तुम्हें तो। आराम फरमा रही हैं, इसीलिए मैं चली आई। निगार काल्फा, कितने बरस से हो तुम हरम में? 6 साल हो गए मलिका सुल्तान। यानी काफी अरसा हो गया तुम्हें यहां। कायदे कानून खूब मालूम होंगे, लेकिन कुछ दिनों से बदली बदली से दिख रही हो निगार। कोई खता हो गई मुझसे? तुम एक जाहिल और नीच कनीज के साथ मलिका का मुआवजा करोगी क्या? हरगिज नहीं मलिका, ऐसी गुस्ताखी का तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन हुरम खातून भी शहजादे की माँ है और दोबारा उम्मीद से है। उनका और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ख्याल रखना क्या होता है और एहतराम करना क्या, ये फर्क खूब समझ लो निगार काल्फा। वरना शिकवा ना करना अगर कोई मुसीबत आ जाए। लेकिन कुछ दिनों से बदली बदली से दिख रही हो निगार। कोई खता हो गई मुझसे? तुम एक जाहिल और नीच कनीज के साथ मलिका का मुआवजा करोगी क्या? हरगिज नहीं मलिका, ऐसी गुस्ताखी का तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन हुरम खातून भी शहजादे की माँ है और दोबारा उम्मीद से है। उनका और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ख्याल रखना क्या होता है और एहतराम करना क्या, ये फर्क खूब समझ लो निगार काल्फा। वरना शिकवा ना करना अगर कोई मुसीबत आ जाए। अब जा सकती हो। सुनो तुम जरा, ये जबान काट कर चील कौवों को खिला दूंगी।
क्या बकवास किया तुमने? हाँ काम तमाम करा दूंगी तुम्हारा, उस बेगुनाह लड़की की कातिल तुम हो बता दूंगी पागली को मैं। मैंने बकवास नहीं की, मालूम नहीं क्या कह रही हो। हरम के कबूतरों ने लगाई बुझाई की है क्या इनसे? हरम में कबूतरों के अलावा है क्या कालका? दफा हो जाओ और आइंदा शक्ल ना दिखाना मुझे। निगार क्यों उलझ रही हो इससे? पूछो मत सुम्बला, फंस गई हूँ दो मलिकाओं के बीच में। हुरम खातून एक तरफ तो माहे दौरा दूसरी तरफ खींचती है मुझे, एक बिठाती है तो दूसरी खड़ा रखती है। क्या करूं मैं, आजिज आ गई हूँ बल्ला, बताओ क्या करूं सुम्बला? ओहो तुम खुद समझदार हो। अरे भाई कौन चढ़ता सूरज है और कौन ढलता सूरज तुम खूब जानती हो, उसी हिसाब से रुख तय करो अपने किबले का। सुमुन बुकमुन लाए तकल्लमुन। इब्राहिम कब आओगे? ताब खत्म हो गई इंतजार की। एक झलक ही दिखला दो, दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आऊंगा शहजादी, बस सलामत वापस आऊंगा, वादा है आपसे। डटे हुए हैं कई महीनों से यहां, क्योंकि दिलों में ईमान है और हमें अपनी फतह पर पक्का यकीन है। रुदोष फतह करने की कसम खाई है, ये कसम पूरी ना कर सका अगर मैं तो मेरा तख्त, मेरी जान, मेरा रुतबा, पूरी की पूरी तुर्क सल्तनत फना हो जाएगी। सो आज ये अज़्म करता हूं कि अपनी जान फिदा कर दूंगा। अल्लाह ये जहाद कबूल करे और अपनी नुसरत अता करे। सुल्तान ने एक निराली इजाद निकाली। दुश्मन फौज ने अंधेरे में यह नाकाबले यकीन मंजर देखा। हवा में उड़ते हुए तुर्क जाबाज किले पर यलगार के लिए बढ़ रहे हैं। वो आ गए। जहां पना तुर्क फौजी दिखाई दिए बगैर हमला कर रहे हैं। चलने वाले मीनार है उनके पास, सिपाही उन पर बैठकर किले के पास पहुंच चुके हैं। मुझे तो लग रहा है हम जंग हार जाएंगे, हमारी मदद के लिए तो वैनेस और स्पेन से दस्ते आ रहे थे। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, वो शायद डर गए इस हादसे से।
दीनी अवाम और तमाम जंगजू 10 रोज के अंदर रुदोज से निकल जाएं। उन्हें पूरी आजादी है, जहां जाना चाहें जा सकते हैं और अपना असलाह भी ले जा सकते हैं। जो लोग रुदोज ही में रहना चाहें वो 5 साल तक महसूल की अदायगी से मुस्तस्ना होंगे। नए आकर आबाद होने वाले कभी असल रुदोशियों को तंग नहीं करेंगे। गैर मुस्लिम अपने मजहबी और खानदानी मामलात में मुकम्मल आजाद होंगे। जंगजुओं और उनके साथ जाने वालों के लिए जहाजों का बंदोबस्त किया जाएगा। ताहम मुआहदे की शराइत पूरी होने तक ये हिफाजती तहवील में रहेंगे। सुल्तान सुलेमान अपने बुजुर्गों की रिवायत और तुर्क कवानीन के मुताबिक वादे की पासदारी करने और हर किस्म की बदनीयती और झूठ से गुरेज करने की कसम खाते हैं। मुराद सुल्तान हार गए हम। मैं और मेरे जंगजू हथियार डाल रहे हैं इस महाज पर। मजीद इंसानों की मौत नहीं चाहता हूं मैं। तुम्हारे पास जब भी मौका है निकल जाओ यहां से, चले जाओ। मैं भागूंगा नहीं, लेकिन हार भी नहीं मानूंगा। तो फिर तुम क्या करोगे? मेरा ना सोचे, बच्चों का सोचे मेरे। कलीसा के नौजवान पादरी पॉल को ढूंढो और ये उसे दे दो। समझ गए? समझ गया। अली अफंदी, रुदोश में नमाज पढ़ना आपका देरीना ख्वाब था, सो आज सच हुआ। शहजादा आ रहा है। कहाँ रहे? जल्दी हाथ पकड़। निकाह रूबरू, सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। शहजादी हुई तो शहजादा होगा। चलो बस खामोश। या अल्लाह आसानी पैदा फरमा, आमीन। अपना फजल फरमा, आमीन। परवरदिगार किस्मत वाला बना उसको, आमीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्लाह इला इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह इला इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या लिस्सलाह, हय्या लिस्सलाह, हय्या लिल्फलाह, हय्या लिल्फलाह। कद क़ामतिस्सलाह, कद क़ामतिस्सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्ला। दुश्मनों की इस जगह को जाय नमाज बनाने वाले रब का लाख शुक्र है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर।
سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر شاهزاده کدیده؟ فریاد! هر استا خاتون هر استا خیره کدی قابل کتیلی هر خیره کدی کم فرم با بین زی کدی سیلکا و قابل کهات راو سیاست توامی هناسه هل کیشه هناسه دی دکتینا خودتان مخفنن پر بینن خیره کن خیره کدی او درگاه داخل باکس نیت جلو آرام با تابو کمک ماو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلطان مونتام إبراهيم ابراہیم مجھے حکیمت پر اس کا سر چاہیے بارگلی بارگلی ہمت کرو بارگلی ہمت کرو ہمت کرو بارگلی ہمت طبیب کو بلاؤ بارگلی ہمت ہمت میرے آقا ये खंजर फौरन निकालना पड़ेगा हमें अगर जहरीला हुआ ही मत छुए इसे आका पारगाली थोड़ी हिम्मत पारगाली सरासर हौसला हौसला रखो हमारी पीठ में खंजर खोपने वाला कोई गैर नहीं तुर्क है یا رب العالمین اپنی رحمت اور برکت سے حرم خاتون کے لیے آسانی فرما آمین تمام مراحل بخیر و خوبی طے کرا دے یا پروردگار آمین تولد ہونے والے بچے کو صالح اعمال کے لیے عمر طویل عطا فرما آمین اے پروردگار اس بچے کو ترک سلطنت و دین اسلام کا سچا خادم بنا آمین بے حرمت ہی تا و یاسین الحمدللہ رب العالمین الفاتحہ مولانا صاحبہ کو رخصت کر کے آؤ شہزادی آپ ٹھیک ہیں خزینہ کیا ہو گیا یہ دعائیں اس لیے پڑھی جا رہی ہیں کہ روح کو سکون ملے مشکلیں آسان ہو جائیں اور پریشانیاں دور جانے والدہ یوں آنسو چھلکانا ٹھیک نہیں بس ایسے ہی دل بھر آیا والدہ رب مسکی میں خود کو معاف کر دیجئے پہنچ لی آنسو سن خوشی کی خبر آتی ہی ہوگی شہزادہ آنے والا ہے یہ ولادت سب کے لیے مبارک ہوگی موت میری بیٹی دیر سن
زوکا هنا سبدا هنا سبدا زوکا خورم خاتون مقی جنا شوز را بگیرم زوکا هنا سبدا شو بیده روا دیم کرکا مبتکا هناسا هنی بگیره دی شازده کمال دایی بو لدایی کبه آقا بولو پارگلی کال سنم آف کر حمد کرو پارگلی تبھی بلوایا ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں آقا پارگلی پارگلی کچھ بولو پارگلی پارگلی اتنی دیر لگا دی جلدی دیکھو اسے پارگلی جلدی کچھ کرو میرے آقا یہ جیم سلطان کا خنجر ہے خاندان سے باہر کا کوئی بھی فرد یہ خنجر استعمال نہیں کر سکتا جیم سلطان سے ان کے بیٹے کو ملا ہوگا یہ خنجر مجھے مراد سلطان چاہیے زندہ خورم خاتون خلوی دانمی نتوا نه بیت خود شلکه شازده کمان دید زوکه خورم خاتون زوکه هیچ چرکی وانه ماو زوکه دید تاو بو کمیکی ماو تاو دمیت دمیت وایا زوکه دمیت باشا باشا हाँ बताओ विलादत हो गई नहीं तो वह विला मचा रखा है उसने है ना आखिर नीच जा तुम ठहरो वहीं अंदर जाने नहीं दिया जाएगा मुझे बहाने नहीं खबर लाओ जाकर जुका जुका दे खुरान जुका दे दे जुका तो पेश हो जुका दे खेरा जुका ओ अंदर ले जाओ खेरा का لحوش ما شو خرم خاتون تكايا دوائي اما بكا حس داي برقى بقريا داي زوكا حس خرم خاتون زوكا خرم سلطان زوكا داي زوكا داي زوكا اوان داي دمو ناتوان خرم آفی بولو خرم خرم خاتون خورم خاتون خورم ٹھیک ہو تم لڑکا ہے کیا خنجر زہریلا نہیں ہے آقا زخم گہرا ضرور ہے لیکن جلد بھر جائے گا انشاءاللہ میری پاشا آقا اعظم کو یہاں بلوائیے فوراً آئے جی میں ابھی بلاوا بھجواتا ہوں مراد سلطان کی کوئی خبر تلاش کر رہے ہیں جزیرے کا چپا چپا چھان رہے ہیں اگر فرار نہیں ہوا تو جلد ہی مل جائے گا اس کی تلاش میں زمین کی تنابے کھینچ دیں گے میرے آقا ہاں پارگلی تم نے تو پریشان کر دیا ہمیں لیٹے رہو تمہیں ہلنا جلنا منع ہے طبیب صاحب اسے لے کر جائیں اور گہری نیند سلائیں آرام کرائیں
फिक्र हो रही थी बाबा कि कहीं आप गिरफ्तार तो नहीं हो गए। जहाज का बंदोबस्त हो गया यहाँ से निकलने के लिए। चलो चले यहाँ से कश्ती में जाएंगे, बस यही है कुल सामान। बाबा अगर हम पकड़े गए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो चलो आ जाओ। सुल्तान सुलेमान पर कातिलाना हमले का मतलब समझते हो तुम? अलीजा इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। देश में आकर सुल्तान सुलेमान यहाँ कत्लेआम भी कर सकता है, अपनी आतश गजब सर्द करने के लिए चढ़ा सकता है सैकड़ों को सूली पर भी। मैं किस तरह हिफाजत कर सकूंगा रियाया की? कौन है इस साजिश के पीछे? वो भी शामिल होगा यकीनन। ठीक है, सुल्तान सुलेमान ने अपने खेमे में बुलवाया है, इसी का खदशा था मुझे। कोई मुआहदा करेगा या मेरा सर काटेगा। शहजादा कहाँ है? मेहमत ये रहा, देखो छीन लिया मेरा शहजादा। तबीबा नहलाने तुलाने ले गई है, तैयार करा के अभी ले आएंगी। बहुत मुश्किल से हुई है विलादत। क्यों हाथ लगाने दिया उन्हें? मेरे पास होना चाहिए था ना मेरा बेटा, मना किया था ना तुम्हें। मारिया बहुत नादान हो तुम, मैं खुद ही देखती हूं। तुम ना उठो, मैं लेकर आती हूं उसे। मुझे शहजादे से कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। खुशखबरी है मलिका, बेटी पैदा हुई है। अल्लाह पाक, तूने सुन ली मेरी फरियाद, शुक्र है तेरा बहुत। तकसीम कर दो ये कनीजों में, कहना सब दुआ करें खैर की। निगार काल्फा, ले आइए मेरे बेटे को। दो मेरा बेटा, शेष जैसा बेटा, शहजादा। हुरम खातून, अल्लाह उम्र दराज करे, चांद जैसी बेटी है आपकी। क्या बहुत ही खूबसूरत बच्ची है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है माशाल्लाह। नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। ये मेरा बच्चा नहीं है, ले जाओ इसे।
लेकर आओ मेरा बेटा। हुरम, तुम्हारी बेटी है, यूं कहना गुनाह है। कहीं गायब कर दिया मेरा बेटा, मार डाला शहजादे को। ऐसा हो सकता है भला हुरम खातू? अकल ठिकाने? इस महल में सब कुछ हो सकता है। माशाल्लाह। बेटी हो गई, देखा कैसे इतरा इतरा के कहती थी बेटा होगा। अब बताए, अब पता चलेगा उसे? अच्छा हुआ बेटी हुई, अगर बेटा हो जाता तो जमीन पर पाँव न टिकते महारानी के। मलका बनकर सब पर मुसल्लत रहती हर वक्त। आज वो सब माहिदौरा सुल्तान ने तुम सबके लिए अशरफियाँ भेजी हैं। देखा, मलकाएं बिल्कुल ऐसी होती हैं। अल्लाह सलामत रखे माहिदौरा सुल्तान और मुस्तफा को। मलिका, माफी चाहती हूँ, शहजादा नहीं आया। अल्लाह की मर्जी है, ये तो जान जैसा चेहरा है बिल्कुल। शुक्र अदा कर रही थी तो नजर पड़ी आसमान पर, चांद सूरत साथ साथ देखे तो जहन में ख्याल आया और मैंने सोच लिया इस बच्ची का नाम मेहरमा होगा। चांद सूरज की तरह मुस्तकबिल रोशन होगा इसका, कमी ना होगी इसके नूर में। आका क्या कहेंगे? क्या कहेगा, कोई नहीं जानता। जंग से फर्जंद की वापसी कब होगी, तो क्या इस जान जैसी बच्ची का नाम नहीं रखेंगे तब तक? लीजिए मेहरमा को दे दीजिए, मां से कहें पेट भरे इसका। अल्लाह उम्र दराज करे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। हुरम खातून, किसी चीज की ख्वाहिश हो तो बताएं। कुछ नहीं, किस मुंह से ख्वाहिश करूं, बेटी हुई है। चले जाओ सब, तनहा छोड़ दो मुझे, इसको भी ले जाओ। मगर मेहरमा भूखी है, इसको दूध पिलाओ, पेट भरो इसका। तो अन्ना को दे दो, वो भर देगी। मैं अब आका को क्या जवाब दूंगी? मेरे पाशा, ध्यान रखें कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जो बेगुनाह मुसलमान ताजिर कैद है उन्हें आजाद किया जाए और कश्तियां लौटा दी जाएं। आपके हुक्म की तामील में रोदोश में किसी के माल और जान को जरर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। कलीसाओं में इबादत की आजादी होगी सुल्तान मुअज्जम। पीरी पाशा, ये जजीरा कितने लोगों की कुर्बानी के बाद हासिल किया, लश्करी यकीनन यहाँ की नेमतें इस्तेमाल करना चाहेंगे। कोई नहीं करेगा पाशा, मुहायदा होने से पहले किसी चीज को मत छुए। खिलाफ वर्जी करने वाला सजा का मुस्तहिक होगा। मेरे आका, क्यों आए हो यहां इब्राहिम, किस लिए? यहां रहूंगा तो ज्यादा बेहतर रहूंगा। आकाए आजम बाहर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मेरे को देखना चाहता था। ठीक है। ले आइए।
आकाए आजम शाह फिलिप विलियर्स तशरीफ ला रहे हैं मेरे आका। छोड़ दो। बाबा इतनी छोटी कश्ती, ये हमारा वजन नहीं उठा सकती, डूब जाएंगे हम बाबा। मैं नहीं बैठूंगा इसमें। और हम जाएंगे कहाँ? माल्टा जाएंगे हम। जहाज दूसरे जजीरे के साथ लंगर अंदाज है, क्या तैर कर जाएंगे? चलो, बातों का वक्त नहीं है, जल्दी निकलो। आपने अपनी शराइत को जिस तरह पेश किया, यकीन जानिए इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। इसके अलावा आपने लोगों के साथ जैसा इंसाफ किया, इसके लिए बहुत मशकूर हूं। यह खिलत सुल्तान सुलेमान खान की जानिब से बतौर तोहफा कबूल फरमाएं।